धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो क्या काकड़ी मान गई? हाँ मान गई। और कल हम सब राजपाल नगर आने वाले हैं। हे मारा ठाकुर जी, अब आटला बड़ा मानसो माटे मुझे नाश्ता पानी तैयार करना होगा। क्या मम्मी अभी? कितने समय बाद मैं जन्माष्टमी पे अपने घर में होंगी। इड्डा फोड़, तू फक्त पोता ने बारे में सोचे छे। अरे तने खबर छे इस चाल में क्या हो रहा है? अरे आखी चाल वाले गोपी के नाम की माला जप रहे। और अगर कल वो अपने और अपने कान्हा जी के जन्मदिन पर यहाँ आ गई तो यहाँ कोई भी तुझे इतना सा भी नहीं पूछेगा। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। तू सोचती कब है? अरे तारी पास सोचने वाला मगज है? राशि राशि जल्दी आ जाओ, पूजा का समय हो गया। जी मम्मी मैं फोन रखती हूँ, मुझे जाना होगा। एक मिनट दिखरा, तू कल के बारे में कोई चिंता मत कर। मैं कल एक ऐसी कलाकारी निकालती हूँ कि वो कंवार अपना जन्मदिन कभी नहीं भूल पाएगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहन जी, माँ जी ने जन्माष्टमी की पूजा के लिए नीचे बुलाया है। वैसे भी 12 बजने वाले हैं, पूजा का समय हो चला है। हाँ हाँ, उसके लिए तो मुझे भी जल्दी। किस बात की जल्दी है जी? अब एक मिनट। गोपी, आज सिर्फ तुम्हारे कान्हा जी का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी जन्मदिन। अब चलो केक काट। एक मिनट, तुम्हारी कोई विश, मतलब तुम्हारी कोई इच्छा? मेरे पास सब कुछ है। Happy birthday to you. Happy birthday, Gopi. Happy birthday to you. पूजा के लिए हमें नीचे चलना चाहिए। चलो। हाँ हाँ। गोपी दिकरा, आज जन्माष्टमी है और तेरा जन्मदिन भी है और तेरे कोख में बाल गोपाल जी पल रहे हैं, तो जन्मदिन की तुझे बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी तुम दोनों को सुखी रखे। धन्यवाद बा। गोपी दिखरा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात जरूर कहना चाहूंगी गोपी वो, मेरी गोपी वो ने हमेशा सही निर्णय लिया है और मेरा ये विश्वास है कि आगे भी किसी भी परिस्थिति में तुम सही निर्णय लो। आदर्श बहू और आदर्श पत्नी बनी रहो। क्या बात है भाई, अकेले अकेले बर्थडे मना रहे थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा है ना, लास्ट ईयर तो जीजू भूल ही गए थे। राशि, गोपी वो, जन्मदिन की शुभेच्छा तुम्हें सभी ने दे दी, अब हम जन्माष्टमी की पूजा आरंभ करते हैं। मोटा भाई, मोटा भाभी, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी दीगरा, मुबारक हो, अब तो तू माँ बनने वाली है। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। और राशि दीगरा, गोपी जैसी गुड न्यूज तू कब सुनाएगी? हाँ राशि, उर्मिला बेन को नानी कब बनाएगी? ओकिला बेन, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, हमारी गोपी आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। पिछली जन्माष्टमी में इसने कान्हा जी की मूर्ति की रक्षा की और इस बार राशि दिखरा की। आपने बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी बेन, मेरी गोपी वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और शुभ है। जय श्री कृष्ण मेवान जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गोपी दिखरा। जय श्री कृष्ण मामी जी। ने जन्मदिन खूब खूब बदामी। अरे गोपी दिखरा, दही हांडी के उत्सव की साज सजावट तू ही करने वाली है ना, और विशेष रूप से हांडी की। लगन से पहले भी तो यही करती थी, इस साल भी तू ही कर। अरे अरे, पर वो तो पहले की बात थी, अब तो बिचारी गोपी दिकरा पे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे हाँ, अब तो ये आचार का कारोबार भी शुरू करने वाली है।
केम वेवान जी, अब इतने सारे काम में अब बेचारी ये भी करे। उर्मिला बेन, आप चिंता मत कीजिए, मेरी गोपी वो अपने दो हाथ से अनेक काम करने की शक्ति और सूझबूझ की क्षमता रखती है, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ये उत्तरदायित्व भी वो बखूबी निभा लेगी। गोपी वो दही हंडी की साथ सज्जा तुम करो। जी माँ जी।